बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की और जे टीवी की, और हमारी रोजलिन जो है इस वक्त सारे एक्शन कर रही है कमांडो बनने के, वो फुल कमांडो बन रही है। कमांडो तो वो शुरू से है, लेकिन अभी वो आप देख सकते हैं कि कमांडो के फुल एक्शन में है। रोजलिन किस जोर से मार रही है, सारे दुश्मनों को ये अभी के अभी तहस नहस कर देगी। थैंक यू जे टीवी के, हमें रोजलिन डैनियल को कमांडो बनने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। मत यह कि हमारे दरमियान है, मैम आप बताएंगी कि ये सारे डिफेंस ये जो ये अपने बच्चियों को सिखाया जा रहा है एसएसयू वाले, ये एक मतलब ट्रिक बता रहे हैं कि ये स्टाइल सारा और ये प्रोटेक्शन के लिए अपनी पावर यूज़ करनी चाहिए औरतों को, जब वो किसी तकलीफ में आ जाती हैं तो आप क्या समझती हैं? जी हाँ, मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि हर खातून को किसी भी उम्र की हो अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग रखे, आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सी क्लब के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है और इसमें समन आबिद ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैं उसको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि सारा अरेंज करा है और मैं भी कुछ सीखने वाली हूँ अभी। अच्छा, तो आप ये समझती हैं कि आज के दौर में ये सब बहुत ज़रूरी है? सब जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो जो हमारे क्योंकि ऐसा खौफ ज़्यादा है फिल्म में, लड़कियाँ रात में शाम में निकलती नहीं बाहर इसी खौफ से, जब इनको ये इतनी डिफेंस अपनी करनी आ जाएगी तो फिर वो क्या कर सकती है अपने लिए? फिर वो अपनी डिफेंड खुद करेंगी ना, आदमी खुद डरेंगे, वो आएंगे ही नहीं आगे। हाँ, वो समझेंगे कि जाहिर है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एतमाद आ जाएगा उन पर। थैंक यू मैम। मैं इस वक्त फिल्म हॉल में मौजूद हूँ जेकब जावेद टीवी के साथ, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की शोबों में जो कारकर्दगी दिखाती हैं, जो अपना अपने अपने शोबों में अच्छी कारकुन है, अच्छा मेहनत से इस वक्त वोमेन औरतों में नाम पैदा किया है। मेरे पास एक ऐसी खातून खड़ी है जो कि अपने डिपार्टमेंट में एक नाम रखती हैं, शोहरत रखती हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये जो आज प्रोग्राम है वोमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, इसके बारे में क्या कहने की किसे ज़रूरी है कि हम ये एसएसयू की कमांडो जो अपना आप शो कर रही हैं पावर को, ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में? बिल्कुल ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और श्री क्लब को स्पेशली जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने अपने कामों को सराहें और लोगों को बताएं कि वुमेन इज़ नेवर लेस। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरुबा खालिद एंड आई एम हियर टुडे टू रिप्रेजेंट माय कंपनी लॉयड इंटरनेशनल एंड टू सपोर्ट दिस कॉज एंड दिस इवेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ऑन बिहाफ ऑफ आवर चेयरमैन मिस्टर अब्दुल बर, as well all know, as we all know,
और खूबसूरत रंगारंग प्रोग्राम है यहाँ पर, चूँकि ये महीना जो है इंटरनेशनल वुमेन डे का महीना है, हर जगह जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं वुमेन डे के हवाले से। देखिए ये जो ड्रेस हैं फीमेल्स के, ये भी यहाँ पर इनकी भी सेल चल रही हैं। और हम पूछेंगे ये जो सेल है, और इस वक्त सेल का मकसद ये बेचना, ये बिजनेस करना नहीं है, बल्कि सिर्फ मुतारिफ कराना है। मुख्तलिफ किस्म के सिंधी बलोची ये ड्रेस इनके पास है, ये यहाँ पर सिर्फ एक तारुफ कराने हम मुख्तलिफ किस्म के ड्रेस आए हैं। तो ये आपका इनकी थोड़े ये जो ड्रेस हैं ये आप लेके आए हैं सिंधी बलोची? हमारी जो दुकान है वो दो दुकानें हैं आरजे के अंदर, आरजे शॉपिंग मॉल में मिनीलिव के साथ, और उसका नाम है मंसूर बुनेरी, 8 और 9 नंबर दुकान है। हम यहाँ पर उधर हमारा हाई बिजनेस है और बड़ी कस्टमर वगैरह आते हैं, तो हमने यहाँ पर जब फेस्टिवल का सुना तो बड़ी खुशी हुई कि भी हम पब्लिक में सैंपल भी थे। अभी ये सामान जो है हम जा रहे हैं, हम सुबह से लेकर यहाँ तक खड़े हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। ये आपने जो खूबसूरत चीज़ें ये कहाँ से ली, क्या आपके खुद की बनाई हुई हैं कि या आप इसको क्या कैसे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको अपनी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। बिल्कुल, कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो कि मेरे ख़ुद की बनाई हुई हैं, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है हम इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से, उसमें कुछ टर्किश इंपोर्ट्स भी हैं, चाइना की इंपोर्ट्स भी हैं, और कुछ चीज़ें मेरे हाथ में हैं जो आप देख सकते हैं। ये इस तरह से हेयर बैंड्स हैं, ये मेरे हाथ के बनाए हुए हैं, ये कुछ पेन्स हैं बच्चों के, ये मेरे हाथ के बनाए हुए हैं, और ये दरअसल मेरा ब्रांड है ट्रेंड्स के नाम से, और इस पर मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और ये देखें बड़े मज़ेदार से कुछ बच्चों के लिए टॉयज़ भी हैं हमारे पास इस तरह से, तो ये इस तरह की चीज़ें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन है आज इस इवेंट का, और बहुत अच्छा इवेंट रहा ये मेरा समन के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अच्छा लगा आप लोग भी आए और हमारा इंटरव्यू किया, इससे हमें थोड़ा सा जो है प्रमोशन ही मिल जाएगी। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। तो मैं पूछूंगी सर से कि ये हमें बताएं कि सर ये हमें बताइएगा कि इसके फंक्शन बताएं, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ जाती है, हर वक्त ज़रूरत रहती है आज के दौर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है, मैं एडवांस लेबॉर्टरी का लैब मैनेजर हूँ। आज हमने यहाँ पे इंस्टॉल लगाया है, हम एडवांस लेबॉर्टरी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हैं, कोविड से रिलेटेड थे, अब तो हम तकरीबन ओवरऑल जितने भी ब्लड टेस्ट हैं तमाम चीज़ें हैं। हम ये कार्ड्स हम ये ऑफ़र कर रहे हैं, जिस कार्ड के ऊपर हम 20-30% तक हम डिस्काउंट देते हैं, जितने भी हमारे सर्विसेज़ हैं हम उस पर हम डिस्काउंट दे देते हैं। और यहाँ पे जितने भी हैं मैं वेलकम करूँगा अपने लेबॉर्टरी को, और हम अल्लाह का शुक्र है अभी रिसेंट हमने 15189 हमने कंप्लीट कर लिया ISO, तो ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। यूनिक किस्म के हमारे पास जो हैं ईगल हैं, हम उनके बारे में यहाँ के जो इनके ऑनर हैं उनसे पूछेंगे कि इनकी जो आप परवरिश है, जो इनकी डाइट है, इसको कैसे आपने मतलब इनको मेंटेन करते हैं, कैसे इनको संभालते हैं, क्योंकि देखने में तो बड़े मतलब ख़तरनाक लगते हैं, तो ये कैसे आपका कि शौक़ है या इतने अच्छे खूबसूरत परिंदे आपने रखे हुए हैं जो कि सब लोग इस स्टॉल पर एक ज़्यादा ही कुछ रश है क्योंकि हर कोई इसको देखना चाहता है, तो आप हमें इसके बारे में बताएंगे, आप तारुफ कराइएगा। जी मेरा नाम उमर हाशमी है, कराची फैल्कनरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ हारून यूसुफ़ई मौजूद हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। बेसिकली हम लोगों की जो एसोसिएशन है इसका काम यह है कि इन सारे परिंदों की रिहेबिलिटेशन करना, रेस्क्यू करना, क्योंकि यहाँ लोगों को कुछ नहीं पता इन परिंदों के बारे में। आमतौर पर लोग यही समझते हैं चील है या बाज है, बाज़ अवत बाज को चील और चील को भी बाज ही कह रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो लोगों को जानना चाहिए कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। जब ये पता होगा तो आप आगे देख सकते हैं कि किस चीज़ को कैसे रखना है, किस क्लाइमेट। बाज है, ये उकाब है, ये उकाब है, गोल्डन ईगल कहलाता है, इस वक्त दुनिया की जो ईगल्स में टॉप स्पीशीज़ में से शामिल होता है ये। और अब आपने डाइट वगैरह का सवाल किया था, तो ज़्यादातर छोटे जानवर या परिंदों का गोश्त ही खाता है। और ये कितने मतलब साल का, महीने तकरीबन 1.5 से 1.5 साल के करीब इसकी एवरेज एज टोटली कितनी होती है? टोटल तो एवरेज एज जो होती है वो 20 इयर्स होती है, अराउंड 20 इयर्स। देखिए ये मैं बहुत खूबसूरत और बड़ी मैं एक्साइटेड हो रही हूँ इस परिंदे को देख के, ये बहुत स्मार्ट है, बहुत खूबसूरत है, और ये मुझे बहुत पसंद आया है छोटा वाला, क्योंकि मैं इसको फील कर रही हूँ कि ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर हाथ में पहली दफ़ा उठाया है, मुझे अच्छा सा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, और बड़ा मासूम, बड़ा इनोसेंट सा लग रहा है। सर इसके बारे में आप बताइए कि ये इसकी एज क्या है? ये तकरीबन 3 साल का है, एडल्ट है, ब्राह्मी काइट कहलाता है, ज़्यादातर मछली ब्राह्मी काइट। इस मुल्क का जी ये लोकल पाकिस्तान में लोकल है और ज़्यादातर दरियाई और समंदरी इलाकों के आसपास पाया जाता है। वक्त के साथ हम मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मायनास खिलाड़ी रह चुके हैं, और हम उनसे पूछेंगे सर ये
ये अपना सफ़र, इतना लंबा सफ़र जो है, और आज जो सफ़र है और कल का और आज के सफ़र में जो आप इतने सीनियर हैं, पहले तो आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी, लेकिन चूँ चूँ आप बढ़ते चले गए, आज आपकी रिस्पेक्ट है, पूरा पाकिस्तान दुनिया आपको जानती है, कैसा लगता है आपको सब कुछ? चलिए, आपका सवाल ख़त्म हो गया। देखें, जो भी मैं कुछ हूँ वो एक औरत के वजह से हूँ, और वो मेरी माँ है, इसलिए माँ की दुआएं हैं। और मैं इस हर एक को ये मैसेज दूंगा कि जिसके घर में भी जो माँ है उसका लुक आफ्टर करें। आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, मगर मैं समझता हूँ मैं जो कुछ भी हूँ मेरी अपनी माँ की दुआओं से।